गाइस माय नेम इज सिद्धार्थ अमनोत्रा एंड यू आर वाचिंग सिद्धार्थ व्लॉग। तो गाइस वापस से स्वागत है मेरे को नए व्लॉग पर। तो गाइस जो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक अनबॉक्सिंग पर, जो कि मैंने मंगवाया एक मिनी ट्राइपॉड, इतना छोटा नहीं है। तो गाइस मैंने ये ट्राइपॉड मंगवाया हुआ फ्लिपकार्ट से। तो चलो गाइस अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और गाइस ये मेरे को पड़ा भी एकदम सस्ता ही है, गाइस ये मेरे को पड़ा 265 रुपीज़ का। तो गाइस चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। चलो गाइस अब हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और चलो गाइस पहले इसको कैंचू करते हैं, इसका देखते हैं गाइस प्रोडक्ट अच्छा है कि गंदा है। गाइस मेरे को इनके प्रोडक्ट पे कभी विश्वास नहीं है, पर क्या पता गाइस अच्छा ही होगा। तो गाइस मैंने यहाँ से थोड़ा सा काटा, तो गाइस ये है वो। तो चलो गाइस अब इसको हम यहाँ से इसको थोड़ा काटते हैं। अरे देखो कटा हुआ था, गाइस ये था जो, इसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये हमारा मेन चीज ट्राइपॉड। तो चलो गाइस अब हम इसको खोलते हैं। खुल जाओ सिम सिम। तो गाइस ये है वो ट्राइपॉड छोटा सा, जो कि ऐसे है जिसको आप ऐसे खड़ा कर सकते हैं। और गाइस मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही, इसकी माउंट कहाँ पे है दिख नहीं रही गाइस। इसका माउंट ये है। तो चलो अब इसको भी खोलते हैं हम। जाओ भाई मेरे। गाइस कैसी पैकिंग है इनकी, खुलने का नामो निशान नहीं है। तो थोड़ा सा आस्ता आस्ता खोलते हैं, यहीं पे कुछ और ना पंगा बन जाए। इसको फेंक देते हैं। चलो गाइस अब इसको एडजस्ट करते हैं हम ऊपर माउंट पे। तो गाइस ये माउंट, इसके साथ हम गाइस ये मैंने पहली बार मंगवाया हुआ, कभी मैंने मंगवाया ही नहीं है, क्योंकि तो पहले मैं यूज़ ही नहीं करता था ट्राइपॉड वगैरह। अब मैं ब्लॉगर बन चुका हूँ तो इसलिए अब मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि गाइस इसको पकड़ने में भी मज़ा आता है। तो गाइस मेरा ये जो माउंट है ना वो गया हुआ एकदम एडजस्ट। तो चलो गाइस अब मैं अपना यहाँ पे ना फ़ोन कर देता हूँ एडजस्ट। तो गाइस ये मैंने एडजस्ट कर दिया। तो गाइस मेरे को कोई ख़राबी लग रही है कि गाइस जब मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ गाइस फ़ोन मेरा कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है। तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इनके प्रोडक्ट पे मेरे को कभी विश्वास नहीं है, गाइस ख़राब आते रहते हैं इनके प्रोडक्ट। तो गाइस ये ख़राब है गाइस। गाइस मेरी मम्मा ने मना भी किया था कि गाइस नहीं मंगवाना नहीं मंगवाना यहाँ से फ्लिपकार्ट से, पर गाइस मैंने जिद की। तो गाइस मेरे को डांट भी पड़ी है। तो गाइस ये टूटा हुआ है, मेरे को लग रहा है ये कहीं से टूटा हुआ है। तो गाइस ये देखो मैं अभी इसको पकड़ रहा हूँ ना, तो ये देखो गाइस, देखो गाइस कभी ऊपर गाइस ना एक जगह स्टेबल हो रहा है। जैसे गाइस मैं अभी इसको ऐसे पकड़ूँगा तब भी एक जगह रहेगा, बाकी अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये हिल ही जा रहा है। तो गाइस पता नहीं क्या है इसके अंदर ऐसी खराबी। मेरे को लगता है गाइस इसका लॉक टूट चुका है, जो इसका लॉक है यहाँ पे, मेरे को लगता है यहाँ से लॉक खुलता है और यहाँ से मेरे ख्याल से लॉक हो जाता है। तो तब भी गाइस यहाँ से मेरे को लग रहा है लॉक इसका टूट चुका हुआ है। तो गाइस ये प्रोडक्ट नहीं अच्छा है। तो गाइस आप भी ना बाय करें, अगर रिकमेंडेड नहीं करता ये प्रोडक्ट बाय करने से। गाइस ये देखो, ये देखो गाइस कभी इधर तो कभी उधर, तो गाइस पकड़ने में भी कोई मज़ा नहीं आएगा। तो गाइस आप भी मत लेना ये, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि इनकी ना कोई बेइज्जती करो, क्योंकि मेरी मम्मा ने भी एक बार मंगवाया था इनसे, वॉलपेपर मंगवाया हुआ था
600 रुपीज़ के दो मंगवाए हुए थे, 300 रुपीज़ के थे वो। तो गाइज अभी देखना वो पैसे नहीं आए मेरे को लग रहा, अब जो अगर मैं ये भी वापस करवाऊँ तो फिर भी मेरे को पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि गए अब मेरे को लग रहा है कि लग नहीं रहेगा, ये बड़े ही सैड आ रहा है मेरे को, बड़ा ही दुख हो रहा है कि मैंने इतने सारे पैसे खर्चे। गाइस मैंने 200 रुपीज़ खर्च दिए इस पे बकवास प्रोडक्ट के लिए। गाइस ये देखो कभी इधर तो कभी उधर जा रहा है, अब देखो गाइस ये कभी मतलब एक जगह टेबल ही नहीं हो रहा है, और देखो गाइस ये नीचे हो गया, कभी ऐसे ऐसे। गाइस ये स्टैंड पूरा है मतलब ऐसे ये अच्छा सा है, पर जो इसका मेरे को लग रहा है जो इसका ये जो माउंट है ना ये वाला गोल, ये मेरे को लग रहा है या तो फिर इसका जो लॉक है ना वो ही टूट चुका है। तो गाइस अब मैं इसको फेंक ही दूंगा, या तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट में डाल दूंगा, फिर या तो उनको वापस ही कर दूंगा। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको वापस ही कर दूँ, क्योंकि प्रोडक्ट एकदम बकवास आया हुआ है। गाइस इनसे मैं कभी भी नहीं मंगवाऊँगा फ्लिपकार्ट से, बड़ी बार देखा गाइस, बड़ी बार देखा कि गाइस कभी प्रोडक्ट अच्छे आए होंगे ना गाइस, फिर कभी गाइस देते नहीं है प्रोडक्ट अच्छे, कैसा दिन कौन सा हुआ होगा तो इनका प्रोडक्ट अच्छे देने वाले हैं ये। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब अमेजोन से मंगवाऊँ, क्या पता वहाँ से अच्छे प्रोडक्ट आते हों, क्योंकि गाइस बड़े दोस्त हैं जो मेरे अमेजोन से मंगवाते हैं, पर गाइस जो इनके प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं। गाइस मेरे को लग रहा है मेरे को ना फ्लिपकार्ट ना डिलीट कर देना, क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा गंदा है ना गाइस, कितना गंदा है ये देखो, कितनी गंदी ऐप है। जिस ऐसे तो मैं ऐसे गाइस पैसे कितने खर्च लिए मैंने, 200 रुपये बेफालतू खर्च लिए कि मेरे ये जो है कि मेरा ख़राब है। अब मैं उसको गाइस रिटर्न कर दूँगा और पैसे इनसे पूरे वापस ही लूँगा, और मेरे क्योंकि गाइस इन्होंने मेरे पिछले पैसे भी दिए हुए आते हैं, तो गाइस पैसे मांगते रहते हैं। गाइस अब मैं जब अगली बार से मैं मंगवाऊँगा अमेजोन से ही मंगवाऊँगा ट्राईपॉड, गोरिल्ला ट्राईपॉड मंगवाऊँगा ये मेरा। गाइस मैंने सोचा कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बड़े सारे ब्लॉगरों को मैंने देखा है कि यही लेते हैं। मैं फिर इसलिए मैंने ये मंगवा लिया। गाइस अगली बार से नहीं गाइस ये मंगवाने वाला मैं नहीं मंगवाना गाइस, जब मैंने अगली बार से मैं मंगवाऊंगा गोरिल्ला ट्राईपॉड, क्योंकि गाइस मेरे को पता है वो कभी टूटता नहीं है, क्योंकि गाइस इतना अच्छा सा वो ट्राईपॉड होता है, और ये हैवी प्लास्टिक है, कोई पता नहीं इसका कभी ये टूट जाए कब नहीं। तो गाइस अगली बार से मैं वही मंगवाऊंगा। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट करके बता देना कि मैं वापस करवा दूँ कि नहीं करवा दूँ। तो गाइस मिलते हैं फिर आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय।